गाइस, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर चैनल एना मोक्ष कपूर। और आप सब कैसे हैं? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे यहाँ पे गली में अनुराधा मैम है, जो इलेक्शन में खड़ी हैं एमसीडी की तरफ से, उनकी मीटिंग है, वो आज आई हैं, तो हम सब वहाँ पे जाएंगे, तो आपको भी मिलाते हैं उनसे, उनकी क्या थिंकिंग है। और उनका साइन है कमल, तो कमल तो वैसे ही पूरे देश का नेशनल फ्लावर है, तो उनकी मीटिंग में उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या क्या अपने थॉट्स रखे हैं, वो आप सबको शेयर करेंगे, बताएंगे। और प्लीज़ वोट करना उनको, कमल के बटन को दबा के। अभी आपको मिलवाते हैं उनसे, तो चलिए मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, अब हम चलते हैं और आपको भी ज्वाइन करवाते हैं मीटिंग। लेट्स गो। ले ले। क्या ले लूं? ले ले, रखी हुई है मेरे पास। हाँ, पर ये रख दो ना बेटा, ले लिए परी, जाओ भैया से ले लो। लेना है तेरे को इतने सारे कलर परी? क्या लेना है? डायरी? डायरी लेनी है, कैलेंडर लेना है? क्या लगा रहे हो परी? ये लो जी, अभी तो वोट नहीं डाला और ये पहले अपनी वोट डाल के बैठ गई है ना। अरे है ना, फोटो आ जाता ना मोबाइल, फोटो नहीं, फोटो नहीं खींच रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो चाची, सबसे बड़ी यही है, ये तो हम तो लेके बैठे हैं, ये लगा के भी बैठ गई है। तो भाई इसने कितने सारे बटन दबा दिए कमल के, है ना? लोटस है ना ये? पार्षद का सबसे पहला काम आता है अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था।
तो उसे कहीं भी क्षेत्र में सफाई का काम नहीं करा। ऐसा नहीं है कि पार्षद को अपनी जेब से कोई पैसा खर्च करना पड़ता है और तब वो सफाई व्यवस्था करता है। हम और आप सभी को पता है कि जिसे हम पार्षद चुनके भेजते हैं उसे सरकार की तरफ से फंड मिलता है अपने क्षेत्र के विकास कार्य करने के, और वो फंड उसको अपने क्षेत्र के में लगाना पड़ता है कि वो सुधार करें, सड़कें बनवाए, नालियाँ करवाए, समय पे आपके गटर साफ करवाए, और जो भी उसके क्षेत्र के निवासियों को परेशानी हो वो उसमें आकर खड़ा हो। मगर हमारे रमेश पटियाला जी को हमारे पटियाला वार्ड से दो बार ही आशीर्वाद मिला। 7 साल का टाइम बहुत लंबा हो, मगर 7 साल में उन्होंने एक भी बारी हमारे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था या यहाँ की समस्याओं को ना तो सुना और ना उनको टाइम मिला कि वो उन समस्याओं का समाधान। ये तो रही हमारे काम की बातें, कि काम तो उन्होंने करा ही नहीं। और ये जिस तरह के व्यक्ति हैं वो भी मैं बता देना चाहती हूँ कि इंसानियत नाम की भी एक चीज़ होती है, कि इंसानियत होनी चाहिए। जब हम लोगों पे कोरोना की आपदा आई, आप सभी को ध्यान है वो समय कोरोना की आपदा आई, तब हम लोग अपने घरों में मजबूर हो गए थे, सब चीज़ें बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था। तब भी कोरोना के अंदर हमारे पार्षद जी एक बारी भी हमारी कॉलोनी में नहीं आए। और मैं आप लोगों को बताऊं, केवल मनसाराम पार्क नहीं, पूरे वार्ड में जितनी भी मैंने सभाएं ली हैं या जनसभाएं ली हैं, ये मैंने ज़रूर पूछा है कि चलो हमारे पार्षद रमेश मटियाला जी ने काम नहीं करे होंगे, मगर इंसानियत और हमदर्दी जो है वो तो होगी, मगर कहीं पर भी वो नहीं पहुँचे कोरोना टाइम में। हमारे यहाँ आए थे कोई? जबकि अशोक शर्मा जी जो आप लोगों के बीच में जो शिक्षित हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और 20 साल से उन्हें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाई जाती है, और अगर आप यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को चुनते हैं तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से काम कराए जाते हैं। और जो काम पार्षद के क्षेत्र के अंदर भी नहीं आते मगर हमारे क्षेत्र की समस्या है, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए हर जगह जिस भी डिपार्टमेंट में बात हो सकती होगी वहाँ बात करेंगे और आपके कामों को हर संभव करने की कोशिश करेंगे। और हमें और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पूर्व प्रत्याशी जिस पार्टी से रहा है आम आदमी पार्टी, वो केवल एक झूठ वाली पार्टी थी, केवल ढिंडोरा पीटने वाली पार्टी थी, बातें करने वाली पार्टी थी, चापलूसी करने वाली पार्टी थी। क्योंकि हम सबको पता लग गया है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, इसके मंत्री किस तरीके के हैं, या आप रोज जो है सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि इनके जो है मंत्री वो किस तरीके से है, औरतों का शोषण कर रहे हैं, इनके जो जेल मंत्री है वो जेल में मसाज करा रहे हैं, इनकी टिकटें कैसे बिक्री है, और अभी गुलाब सिंह जी को तो अच्छा उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने खूब मारा है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है बीजेपी कि वो किस तरीके की पार्टी है, जिसका जो नेतृत्व मोदी जी करते हैं वो उन्होंने भारत देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आप सभी को पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश जो है हमारा आज बुलंदियों में पहुंचा हुआ है। केवल केजरीवाल सरकार की इसलिए बुराई करती है या पोजीशन वाले, क्योंकि उन्हें पता है अगर उनकी बुराई नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। मगर जो जनता है उसे सब पता है कि कौन जो है हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन हमारे को विकास की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब कोरोना काल चल रहा था उसमें मई महीने के अंदर, सभी को महीना अच्छे से याद होगा कि क्योंकि दिल्ली के अंदर 27,000 मौतें हुई थी, लोग सभी लोगों के कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई आरा प्यारा, कोई अड़ोस पड़ोस, कहीं ना कहीं से दुखी खबर आई रही थी। 27,000 मौतें जब हुई थी, आप जो नेट पे चेक कर सकते हैं, उस महीने के अंदर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ये बैठ के दिल्ली के लिए शराब की आबकारी योजना बना रहे कि किस तरीके से दिल्ली के कोने कोने में नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराब के ठेके खोल रहे।
कि हमारे भाई हमारे पिता जो हैं वो इसके नशे में डूब जाए। और तो और स्कीम ये भी आई थी कि औरतों को भी किस तरीके से शराब पिलाई जाए, उनके लिए पिंक ठेकों का कंसेप्ट आया था कि वहाँ औरतें शराब पिएंगी, औरतों को 30% सस्ती शराब मिलेगी। अगर हमारी बहने ये बताइए हमारी संस्कृति में है क्या? नहीं। माताएं बहने शराब पीती हैं क्या जा जाके? और उनके लिए कर दिया 30% सस्ती। 30% सस्ती अगर किसी का भाई या पिता या कोई पिता है तो वो कहेगा कि अच्छा सस्ती है, अब वो अपनी बीवी को भी लाइन में लगाएगा, अपनी बहन को भी लाइन में लगाएगा। तो ये हमारे देश का भविष्य देखो कहाँ ले जा रहे थे। बच्चों के लिए कर दिया था ऑनलाइन, हम माताएं बहने जो लोग कह देते हैं बेटा पीछे से बाजार से खाना मंगा के खा लेना या जूस वगैरह साथ में मंगा लेना, दही छाछ मंगा लेना, उन्होंने कंसेप्ट करा कि आप टेट्रा पैकिंग में मिलेगी शराब, आप उसको ऑनलाइन मंगा लो। हमारी बहन तो कह के गई कि बेटा बाहर से खाना मंगाइए, बच्चे ने खाने के साथ पता लग रहा है कि अपना टेट्रा पैकिंग शराब नहीं मंगा। ये तो आपको सभी को पता है कि इसका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर जगह पुरजोर विरोध करा, तो शराब की ये जो नीति व्यापारी ये दिल्ली सरकार को वापस लेनी पड़ी। तो हम सबको ये समझ में आता है कि किस पार्टी के लोग हैं हमारे समाज के लिए विकास के कार्य करेंगे और कौन सी पार्टी है जो हमारे समाज को जो है विनाश की तरफ ले जा रही है और हमारे जो क्षेत्र है उनका विकास भी नहीं कर सकती है, वो केवल झूठे खोखले वादे करने वाली पार्टियां हैं। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो है अपना आने वाली 4 दिसंबर को अपना कीमती वोट जो है भाजपा के समर्थन में दें और यहाँ से बीजेपी को कमल का बटन दबाकर बहुमत से चलिए गाइज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।